अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, हम हमेशा से ख्याल रखते हैं हमारे ऊपर कभी अमेरिका और कभी इंडिया अटैक न कर दे, लेकिन इसके बावजूद हम इस बात को बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमारे अंदर इतना बड़ा दुश्मन छुपा बैठा है जिसे कादियानी कहा जाता है। कादियानियों ने पाकिस्तान में इस तरह से अपने कदम जमा लिए हैं कि किसी भी वक्त दुश्मन अनासर से मिलकर वो पाकिस्तान का तख्ता पलट सकते हैं, इसलिए हमें मोहतात होना चाहिए। आपके इल्म में है कि चनाब नगर साबका रबवा जिस जगह आबाद है उस जगह का पुराना नाम चक ढगिया था। तकसीम हिंद के वक्त उस वक्त का कादियानी खलीफा जब कादियान से सिखों के डर से भागकर पाकिस्तान आ गया, जिसे ये कादियान दारुल अमान कहते थे, तो सर जफरुल्लाह खान की कोशिश से उस जगह कादियानी जमात के लिए बुनियादी तौर 12,000 रुपए के इवज 1034 एकड़ जमीन की लेज मोरखा 11 जून 1948 को पास की गई थी। उस वक्त उस जगह का नाम रबवा रखा गया। यहाँ बाकायदा कादियानी आबादकारी का इफ्तिताह मोरखा 20 सितंबर 1948 को हुआ। उस मौका पर 5 बकरे भी जबा किए गए और फिर हर कोने खुदरे से कादियानियों को लाकर यहाँ आबाद किया गया और किसी भी मुसलमान के लिए यहाँ जमीन हासिल करके घर बनाना ममनू करार दे दिया गया। यूं यहाँ रियासत के अंदर एक रियासत बनाई गई। इस वक्त चनाब नगर शहर का आबाद रकबा तकरीबन 24 मुरबा किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं कि उस जमीन की लेज सन 2047 में खत्म हो जाएगी? जी हाँ, कादियानियों के नाम दी गई लीज 99 साल के लिए थी और कादियानी जानते हैं कि मुसलमानान पाकिस्तान इस लीज की तजदीद कभी नहीं होने देंगे। कादियानियों को भी इस बात का एहसास है कि क्या होगा, इसलिए कादियानियों ने इस खतरे को भांपते हुए चनाब नगर से सरगोधा की तरफ की जमीन मुंह मांगी कीमत पर खरीदनी शुरू कर दी है कि अगर चनाब नगर की जमीन की लीज मंसूख हो तो हमारे पास अपनी जाती मलकीती जमीन उसके मुतबादल के तौर पर मौजूद हो। इस मकसद के लिए सबसे पहले चनाब नगर के साथ अहमद नगर नाम की एक बस्ती भी पहले ही बसाई जा चुकी है, जहां मिर्जा मसरूर का फार्म हाउस भी है और इतलात के मुताबिक वहां से आगे भी 4-5 गुना ज्यादा कीमत पर धड़ाधड़ जमीनें खरीदी जा रही हैं और हमारे नाम के मुसलमान पैसों के लालच में कादियानियों को अपनी जमीनें फरोख कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फलस्तीन में यहूदियों ने मुंह मांगे दाम देकर मकामी मुसलमानों से जमीनें खरीदी और अब वहाँ इसराइल कायम है। नाज़रीन मोहतरम, इतलात के मुताबिक कादियानी सरगोधा की हदूद तक पहुँच चुके हैं। मेरे ख्याल में कादियानियों ने अपने नए शहर का नाम अहमद नगर रखने का सोचा हुआ है, इसलिए यह बस्ती सबसे पहले कायम की गई है। हमें ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में एक और इसराइल बनने से रोकना होगा। उसके लिए लोगों को बताना होगा कि थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद न करें, अपनी जमीनें इन्हें न बेचें। इसराइल की मिसाल आपके सामने है कि छोटा सा हजम रखने वाला मुल्क कितना ताकतवर हो चुका है। यहूदी फलस्तीन के छोटे से रकबे पर कदम जमाने के बाद आज फलस्तीन के बड़े हिस्से पर काबिज हो चुके हैं और जब चाहते हैं वहाँ के बकिया मुसलमानों को बमबारी से मार रहे हैं। फलस्तीनियों की नस्ल कशी के पीछे उनका मकसद ये है कि वहाँ के तमाम मुसलमान खत्म हो जाएं और सारी जमीन यहूदियों को मिल जाए। नाज़रीन मोहतरम, मेरे ख्याल में यही फार्मूला पाकिस्तान के लिए अपनाया गया है। कादियानियों को पाकिस्तान में जमीन खरीदने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक भारी मुआवजा दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को सरहदों पर अटैक करके नहीं तोड़ा जा सकता, लिहाजा मुसलमानों की तारीख देखते हुए इन्हें अंदर से तोड़ने का फार्मूला अपनाया जाता है क्योंकि मुसलमानों को जब भी शिकस्त हुई तो इनके अंदर छुपे गद्दारों की वजह से हुई। मैंने कभी भी पहले आपसे अपनी किसी वीडियो में रिक्वेस्ट नहीं की कि वीडियो को शेयर करें, लेकिन आज इस वीडियो के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे इतना शेयर करें कि हमारे आला हुक्मरानों तक पहुँच जाए ताकि वो लोग ये फैसला कर सकें कि हमारे पाकिस्तान को हमारे अंदर से खतरा मौजूद है।